प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,039। और केंद्र सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण को दी स्वीकृति। सुप्रभात, सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर देश भर में कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड 19 के संबंध में विभिन्न राज्यों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने को कहा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती, कमला बलान, गंगा और गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज तथा रुनी सैदपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बीच राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सभी तटबंधों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नेपाल द्वारा कोसी बराज से 2,71,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से सहरसा जिले के नदी किनारे स्थित कई पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के आसपास बसे गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि होने से लोग पलायन को मजबूर हैं। इस नौबहार के हैं और आदेश मिला है कि जहां जोड़ी वहां नौ दो रात से जो पानी बढ़ले हन बैठते थे अखन तक 10-11 बजे तक अखन तक पानी बैठते थे। हमारा लोग घर घर पानी ढुक गए। भनसा भात जैसे खाना उना जो खेबे से नहीं है व्यवस्था जो कोनो कुछ चीज में बना के खेबे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ते जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। सामान्य है और जून में काफी वर्षा हुई थी अभी जो, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जो डिस्चार्ज भी थोड़ा सा कम हुआ है तो बाढ़ की सारी तैयारियां की जा चुकी है। मेरा बस से जिलावासियों से अनुरोध रहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब ये सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। उधर खगड़िया जिले में भी बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि होने से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खेतों में पानी फैल जाने से पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक पानी बढ़ जाने से समस्या उत्पन्न हो गई है। जाता है ये बस्ती से निकलने किसी तरह मन निकलने के लिए बनता नहीं है। बहुत तकलीफ होता है। नाव नाव से इधर उधर हो सकता है। पानी तो आ रहा है सुखार घाट से बाढ़ वाले। अभी तो पानी में अभी तो थोड़ा कम पानी है, इससे और ज्यादा होगा। इधर पटना में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से मात्र कुछ सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट पर जल स्तर की निगरानी के लिए तैनात सहायक अभियंता ने बताया कि 46.780 है, लगातार बढ़ोतरी जारी है। 20 था और यहां का जो वार्निंग लेवल है वो है आपका 47.60 है और डेंजर लेवल 48.60 है। ये अभी वार्निंग लेवल से 0.82 नीचे है और डेंजर लेवल से 1.28 नीचे है।
इस बीच प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बागमती और कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्री झा ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 जारी किया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में ये दर 73.08% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,991 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 10,991 बिहार राज्य में रिकवरी का रेट है 73.08% आज की तिथि में। और पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के जो नए मामले आए हैं वो 709 हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं 3800 जिले में उनकी संख्या है 3,929। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में नए बने 23,38,000 राशन कार्डों में से 56% कार्डों का वितरण लाभार्थियों को कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुए 180 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को अधिकृत किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि रोजगार सृजन की योजनाओं में अब तक 10,37,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। है 3 स्तर के जो कोविड संक्रमित रोगियों के लिए, तो कोविड केयर सेंटर्स हैं, फिर कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी बेड्स की संख्या बढ़े और जो ऑक्सीजन के साथ बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, इस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि इस पूरे पीरियड पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कल से कोविड 19 के लिए देश में बने वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सीएम सिंह ने बताया कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी 13 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को दी जा रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके सोमवार को आ सकते हैं। आने के बाद उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग स्वस्थ होंगे 18 से 55 साल के बीच के, उन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा और उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब एम्स पटना में केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पटना के पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और एनएमसीएच पटना में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के तथा एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के और अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेश के अनुसार पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए पुल के लिए राशि मंजूर कर दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि 4 लेन वाले पुल के निर्माण पर 1176 करोड़ और 72 लाख रुपए खर्च होंगे।
उन्होंने बताया कि 4.36 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 4 वर्ष लगेंगे। मुंगेर जिले के खड़गपुर वन परिक्षेत्र में 9 लाख पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिले के नक्सल प्रभावित दरियापुर 2 पंचायत के तितपनिया में 7.5 हेक्टेयर जमीन पर 9 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। वन अधिकारी सरोज कुमार ने बताया कि खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के 25 पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस क्षेत्र में आम, कटहल, शीशम, आंवला, महोगनी और सागवान के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जीविका दीदियों को भी पौधे लगाने का जिम्मा दिया गया है। सागवान के सब पौधे हैं, अस्थाई पौधशाला जो इसी साल स्थापित किया गया है। इसमें इस पौधशाला में हम लोग 9 लाख विभिन्न प्रजाति के पौधे उगाए हैं और ये पौधे सरकार बिहार सरकार का जो मिशन 2.51 करोड़ पौधे लगाने का है उसी के यहां पर ये पौधे। पटना जिले के मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 14 वर्ष का एक बच्चा डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बच्चे की तलाश में जुट गए। अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से शव की खोजबीन शुरू कर दी गई है। उधर मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र में पोखर में स्नान के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने पोखर में डूबे दोनों बच्चों के शवों को निकाला। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। दूसरी ओर रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र के सरया में एक तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि तिलौथू इलाके में कुछ दिनों पहले एक तालाब बनाया गया था जिसमें 4 बच्चे नहाने गए थे। इसी क्रम में वे डूब गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वाले 4 बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। सहरसा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेकर आम जन काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। एक मरवाड़ में है, 30 किलो अनाज मिलता है मोदी जी की तरफ से, 30 किलो मिलता है पैसा से, 1 किलो दाल मिलता है, मोदी जी को धन्यवाद। और मछिया देवी सहरसा, 20 किलो अनाज मिले थे, 1 किलो दाल, मोदी जी के धन्यवाद। सर हमको अनाज मिल रहा है, हाँ फेरी वाला 25 किलो चावल मिल रहा है, 5 आदमी हम लोग हैं, 25 किलो चावल है प्लस 15 किलो गेहूँ मिलता है, तो इसी में अपना जीविका चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो आज जो किए वो बहुत अच्छे काम किए। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून सक्रिय है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में औरंगाबाद, रोहतास और गया जिलों के कुछ भागों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। पटना और आसपास के जिलों में दिन में 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। पटना प्रमंडल के जिलों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,039। और केंद्र सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण को दी स्वीकृति।